कैसे हुई बात पूछिए, कई दिनों की शुरुआत कैसे हुई। दिलीप साहब का जब बर्थडे होता है तो आज के दिन ही नहीं होता है, सब कुछ आज ही शुरू नहीं होता, कई दिन पहले, कई हफ्तों पहले जो है वो माशाल्लाह से उनके कार्ड्स आने शुरू हो जाते हैं, उनके मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं और बहुत वो खुशनसीब हैं, बहुत खुशनसीब, इतना लोग चाहते हैं उनको। और दिलीप साहब अपने लोगों को इतना चाहते हैं, फैंस को और एडमायरर्स को, कि वो हर एक का जो कॉल है, हर एक का जो मैसेज है उसका जवाब देते हैं। और जब वो थक जाते हैं तो मैं वो कमी जो है पूरी कर देती हूँ। तो ये जो सिलसिला है कई दिन पहले शुरू होता है। अब कल भी आप देखिए कि कई कई फैमिलीज़, कोई कलकत्ता से आई है तो कोई सिर्फ पुणे से आई है, और फैमिलीज़ का मतलब कि 10, 11, 12 मेंबर आते हैं, तो हर टोली अलग अलग आती है। वी कीप अ वेरी ओपन हाउस और हर एक से मुलाकात होती है, उनके साथ बैठक होती है, उनको जो भी स्नैक्स सर्व कर सकते हैं या लंच सर्व करते हैं। तो करते करते कल 11 बज गए, रात के 11 बज गए। उसके बाद ये एक्साइटमेंट का माहौल कि कल एक्चुअल बर्थडे है, तो करते 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 मेरी आंखें खुली रह गई, यू नो 6 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई, और दिलीप साहब भी जागते रहे 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक। तो हम दोनों मियाँ बीवी जो है, जो दिन की शुरुआत है वो सुबह 6 बजे, हमने ज़रा सा हमें नींद लगी तो हम 6 बजे सोए हैं आज सुबह। यूसुफ साहब जो है दिलीप साहब जो हैं वो एक मटीरियलिस्टिक आदमी बिल्कुल नहीं है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उनको कुछ कफलिंग्स दे दूँ या उनको कुछ सोने की चीज़ या डायमंड की चीज़, कोई अनमोल चीज़ दे दूँ, तो वो बिल्कुल मटीरियलिस्टिक आदमी नहीं, वो डाउन टू अर्थ है। इतने सिंपल हैं और इतनी सिंपल लिविंग है उनकी। तो उनको इतने सालों के बाद मैंने सबक सीखा है कि अगर यूसुफ साहब को कुछ देना है तो वो आप अपनी मोहब्बत और आपकी श्रद्धा दे सकते हैं। तो रोज़ जो है मैं उनको कुछ और ज़्यादा अपनी मोहब्बत देती हूँ और अपनी तवज्जो, और रोज़ाना कुछ ना कुछ जो है यूसुफ साहब से मैं सीखती हूँ, क्योंकि वो ऐसे कोहिनूर हैं कि माशाल्लाह से उनकी हर एक जो फैसेट होता है, फैसेट को क्या कहते हैं उर्दू में, एक जैसे कोहिनूर में से शुआएँ निकलती हैं, हर रोज़ उनके पास बैठ के एक नई शुआ जो निकलती है तो उससे एक सबक मिलता है, सबक हासिल होता है मुझे कि ज़िंदगी का क्या मायने हैं, ज़िंदगी से मुझे क्या चाहिए, ज़िंदगी से क्या सबक और क्या लुत्फ जो है, क्या लुत्फ मुझे हासिल करना है। तो इट्स अ ग्रेट लेसन टू बी लिविंग विथ हिम एंड टू बी लर्निंग समथिंग फ्रॉम हिम एवरी डे। तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये तोहफ़ा दिया है, जिसका नाम है यूसुफ खान दिलीप कुमार। एक गोल्डन मोमेंट नहीं है वो, हर रोज़ और हर वक्त जो है, हर मोमेंट जो उनके साथ बिताती हूँ वो एक से एक बढ़ के सोने पे सुहागा। यानी कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे ज़ोर शबाब और ज़्यादा, तो रोज़ मैं कुछ ना कुछ उनसे हासिल करती हूँ। थैंक यू।